learning in which an organism learns to associate stimuli. There are two stimuli which starts getting associated. That is the whole concept of conditioning. ठीक है, चाहे response के साथ हमारा मतलब stimulus associate होता है या stimulus associate होता है, तो हमारा ultimately वो conditioning हो जाती है, एक के साथ दूसरा attach हो जाता है. इसके अंदर पावलोव ने किया था, और पावलोव इज अ फिजियोलॉजिस्ट एंड रशियन फिजियोलॉजिस्ट, एंड ही वाज स्टडिंग डॉग्स इन द सलाइवा, एंड ही सॉ दैट नॉट ओनली द फूड बट वेरियस अदर थिंग्स आल्सो एलिसिट्स द रिस्पांस ऑफ सलाइवा. नाउ ही स्टार्टेड डूइंग द एक्सटेंसिव वर्क कि क्यों आया सलाइवा उन चीज़ों से, खाने की वजह से सलाइवा आता है, तो दूसरी चीज़ों से सलाइवा क्यों आया, राइट. तो ये तो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, हंग्री डॉग्स आर केप्ट इन द मिरर एरिया बिकॉज ही वांटेड टू वॉच द डॉग एंड ही आल्सो वांटेड डॉग्स टू वॉच व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम. दैट इज व्हाई इट वाज मिरर एरिया एंड डॉग यूज्ड टू हियर बेल बिफोर इट गॉट द फूड. इट वाज कंपल्सरी दैट देयर विल बी अ बेल बिफोर द फूड. नाउ व्हाट हैपेंड, द कंडीशनिंग टुक प्लेस. What was the conditioning? This belief that ringing bell meant that food was coming. Dog के दिमाग में ये बैठ गया कि अगर bell आई है तो उसके बाद food आएगा ही आएगा. Now what happened actually? Supposedly this is our brain. This area is getting the stimulus that is bell. And this is getting the signal of food. Food gives the response of saliva. ओके, नाउ दे नो कि आफ्टर बेल द फूड विल कम एंड फूड विल कम गिव द रिस्पांस ऑफ सलाइवा. आवर ब्रेन शॉर्टन अप द एरिया, ओके, द रूट, दे शॉर्टन अप द रूट एंड विद दिस बेल दे स्टार्टेड एलिसिटिंग द रिस्पांस ऑफ सलाइवा. दे स्टार्ट रिमूविंग द थॉट प्रोसेस ऑफ फूड कमिंग. इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. जब ये कंडीशनिंग बंद हो जाती है तो धीरे 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 ये कंडीशनिंग खत्म भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मतलब जो चीज़ें नहीं हो रही आप उसको भूलने लग जाते हो, अनलर्न हो जाती है, ठीक है. अब इसमें क्या है, सैलिवेशन अकर्स एट द साउंड ऑफ द बेल, ये रिजल्टेंट हुआ क्योंकि कंडीशनिंग शॉर्टन रूट ले लिया ब्रेन ने हमारे और वो डायरेक्टली सैलिवेशन करने लगे. अब इसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, unconditional stimulus या US is that stimulus that elicits natural response. अगर हमारा food आएगा तो हमारा मुँह में पानी आएगा चाहे हमें भूख लगी है या नहीं लगी. अगर हमारा favorite food है तो ज़्यादा आएगा, अगर favorite food नहीं है तो नहीं कम आएगा, लेकिन saliva आएगा. This is a natural response. Got it? गाड़ी आते हुए देखोगे सामने से, तुम्हारा रिस्पांस क्या होगा, रास्ते से हट जाओ ना. दिस इज़ अ नेचुरल रिस्पांस, आपको लर्न नहीं कर पाया, ये नेचुरल है कि हम टक्कर लगने से डरते हैं, राइट. नाउ व्हाट इज़ अ कंडीशन स्टिमुलस विच इज़ प्रीवियसली अ न्यूट्रल स्टिमुलस गेट्स अ न्यू रिस्पांस अटैच टू इट इज नोन एज कंडीशनल स्टिमुलस. जो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब वो कंडीशनिंग की वजह से वो बार बार किसी चीज़ के साथ एसोसिएट होता गया होता गया होता गया, तो उसके साथ एक नया रिस्पांस आपका जुड़ जाता है, तो वो आपका नेचुरल रिस्पांस नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा नेचुरल, उसके साथ नेचुरल रिस्पांस नहीं है उस चीज़ के साथ, तो वो कंडीशनल स्टिमुलस हुआ जिसके साथ हमने एक नया रिस्पांस लर्न किया. न्यूट्रल स्टिमुलाई स्टार्ट्स टू इवोक अ स्पेसिफिक रिस्पांस विच इज़ नॉट नेचुरल. Now the bell does not have a natural response of saliva. Pavlov ने bell और food को बार बार combine किया और उसमें से वो क्या निकाल दिया response, salivation का. Now for example, I will give you an example of a very furry animal. उसको देखकर आपको क्या लगता है, touch करने का मन करता है, लेकिन उसके साथ आपका associate हो जाता है कोई डर की feeling, तो आप उस furry animal के साथ डरने लग जाओगे, right? एक आप टच कर रहे हो, छोटा बच्चा एक फरी एनिमल को टच करते हो और एकदम से धमाका बजता है, वो डर जाएगा एक बार, ठीक है. जैसे नेक्स्ट टाइम टच किया, फिर से धमाका, आपने वॉइस लाउड नॉइज़ किया और बच्चा डर गया. नाउ लाउड नॉइज़ हमारा कंडीशनल स्टिमुलस है या अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है, क्योंकि लाउड नॉइज़ से डरना नेचुरल रिस्पॉन्स है.
है ना, बम फूटेगा तो डरना तो नेचुरल है ना, थोड़ा सा घबराहट होना, थोड़ी सी वो एंजाइटी होना, दिस इज नेचुरल रिस्पॉन्स, तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है. लेकिन फरी एनिमल है उसे डरना, दिस इज अ कंडीशनल स्टिमुलस, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है डरना. तो जैसे ही अगर आपके पास फरी एनिमल आता है और आप उससे डरने लग जाते हो बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द लाउड नॉइज, तो वो आपका कंडीशनल स्टिमुलस बन गया. और डरना क्या बन गया, द फियर, व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स अ कंडीशनल रिस्पॉन्स. ठीक है, बेल बन गई कंडीशनल स्टिमुलस, फूड बाद में जो सलाइवा, बेल की वजह से जो सलाइवा है वो क्या बन गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स. गॉट इट? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस. फूड आएगा तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हमारा मतलब वो होगा कंडीशनल रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी योर मॉम, इट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स कि आपको बहुत अच्छी अच्छी सेफ्टी वाली फीलिंग आती है, तो हर बच्चे के लिए तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स है. लेकिन वही जो यही वाली फीलिंग किसी केयर टेकर के साथ आने लगे तो वो कंडीशन होती है, वो आपको बहुत लाड प्यार देती है, उसके बाद वो कंडीशन शुरू होते हैं. समझ में आया? मदर के साथ नेचुरल है और वो धीरे 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 ख़त्म भी हो सकती है. इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन और दैट, तब भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि मम्मी, राइट? नाउ कंडीशन रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स विच इज लर्न टू कंडीशनल स्टिमुलस. ठीक है, ये नेचुरल अग्रीक रिस्पॉन्सेज तो सारे होते हैं, लेकिन ये हमने नए स्टिमुलस के साथ उसको लर्न किया है, जैसे बैल के साथ सलाइवा, राइट? तो वो सलाइवा क्या बना हमारा, न्यू कंडीशन रिस्पॉन्स. ठीक है, ऐसे जो डर था जो फरी एनिमल के साथ था वो क्या हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्स. नाउ सपोजिंगली अ लैब कोट पर्सन, अ पर्सन, अ डॉक्टर विद अ लैब कोट कम्स एंड ऑलवेज फिक्स यू ऑन द स्किन. ठीक है, इंजेक्शन लगा देता है. ठीक है, इंजेक्शन से दर्द होता है, लेकिन वो बच्चा उस डॉक्टर को देखते ही, लैब कोट को देखते ही रोने लग जाए, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, वो क्या हुआ, वो अनकंडीशन स्टिमुलस है ना. लैब कोट से कोई मतलब नहीं है ना इंजेक्शन का, या डॉक्टर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि वो जरूर आपके लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन वो डॉक्टर को देखते ही रोने लग जाएगा क्योंकि उसके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है. तो वो लर्न कर लेता है कि डॉक्टर आएगा, लैब कोट पहनेगा तो वो इंजेक्शन जरूर लगाएगा, तो वो कंपाउंडर भी लैब कोट पहन के आएगा तो वो डरेगा, कोई और साइंस एक्सपेरिमेंट करते हुए लैब कोट पहन के आएगा तो उसको डरेगा, रोएगा, तो वो नया लर्न्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स है. लैब कोट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस और उसके अंदर लर्न क्या हो गया, रिस्पॉन्स मतलब फियर. ठीक है, तो लैब कोट हमारा कंडीशनल स्टिमुलस है और फियर क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स टू द लैब कोट. ओके, इंजेक्शन हमारा क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस. फियर ऑफ इंजेक्शन इज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. क्लियर एवरीवन? ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया. नाउ देयर आर डिटरमिनेंट्स ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग, कि ये कंडीशनिंग कब और कैसे और कहाँ तक अच्छी रहेगी, कब अच्छी रहेगी कब बुरी रहेगी, वो डिटरमिनेंट्स है कि ये कैसे होगी, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि हो रही है. लेकिन कंडीशंस भी तो होती है ना कि किसमें अच्छी होगी किसमें बुरी होंगी, ये वो कंडीशंस है. टाइम रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलाई, दो स्टिमुलाई के बीच में कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, कौन सा साथ में आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब टाइम रिलेशन है. ठीक है, सबसे पहले है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यू विल रिमेंबर दिस वे. ओके, कि ये दोनों इकट्ठे शुरू हुए और इकट्ठे बंद हुए. ठीक है, अगर सपोजिंगली स्कूल के अंदर आपकी रिसेस चल रही है, रिसेस की बेल तब तक चलती रहेगी जब तक वो खाना चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. लेकिन मंदिरों में अगर बेल बजती है, घंटियां बजती हैं, जब तक आरती चलती है तब तक हमारी वो बेल्स बजती रहती हैं, घंटियां बजती रहती हैं, तो वो हमारा साइमल्टेनियस कंडीशनिंग है. तो अब कहीं भी आपकी घंटियां बजती हैं तो आपके मुंह से अपने आप वो आरतियां निकलने लग जाती हैं. ठीक है, नाउ डिलेड कंडीशनिंग, व्हाट इज डिलेड कंडीशनिंग, वेयर द कंडीशनल स्टिमुलस, द न्यू स्टिमुलस स्टार्ट्स फर्स्ट एंड when before it is over the unconditional stimulus also starts. okay, इसका मतलब क्या है, कंडीशन स्टिमुलस शुरू हो जाएगा, बेल शुरू हो गई, आपकी रिसेस शुरू हो गई, आपने फूड शुरू कर दिया, बेल बंद हो गई और फूड खाते रहे. ठीक है, तो कंडीशन स्टिमुलस ये होता, ये डिलेड कंडीशनिंग ये होती है कि एक शुरू होते ही, मतलब पहला कंडीशन स्टिमुलस
जब आएगा तो उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं हमारा उसके थोड़ी सी देर के अंदर ही हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस शुरू होगा, साथ में नहीं थोड़ी सी बाद में, लेकिन वो बंद हो जाएगा और वो चलता रहेगा, साथ में बंद नहीं होगा, ना साथ में शुरू ना साथ में बंद। ओके, ट्रेस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग में सीएस और यूएस के बीच में गैप होता है, डिले बैकवर्ड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग दोनों में गैप होता है, लेकिन इसमें कौन सा चीज पहले आ रही है वो फर्क है। इसमें कंडीशन स्टिमुलस पहले आ रहा है, बेल बज गई, टीचर चली गई क्लास में से, उसके बाद आपने फूड खोला, बेल खत्म हो चुकी है, बेल बज के बंद हो गई है, टीचर गई है उसके बाद फूड खोला है, तो ये क्या हुआ है हमारी ट्रेस कंडीशनिंग। ठीक है, बैकवर्ड कंडीशनिंग होगी कि जब आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले आएगा और कंडीशनल स्टिमुलस बाद में आएगा, आरटी पहले शुरू हो और खत्म हो जाए उसके बाद बेल हो, तो फिर क्या कंडीशनिंग होगी, दिस इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग, राइट। पहले अगर रिस्पॉन्स आ चुका तो उसके बाद कोई कंडीशन दोगे तो उसके साथ नेचुरल रिस्पॉन्स बनना, कंडीशनिंग होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, देर आर टू टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, एपिटेटिव एंड एवर्सिव। एवर्सिव इज दो स्टिमुलस विच आर पेनफुल, ओके, विच हैज अ एस्केप रिस्पॉन्स, अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, हम उन चीजों को नहीं करना चाहते। ठीक है, अब जैसे आपको अगर आपने सॉकेट में अपना हाथ डाला गलती से, आपको करंट लगा, आप उसको अवॉइड करो, तो दिस कंडीशनिंग इज एवर्सिव कंडीशनिंग। एपिटेटिव इज वेयर यू रिपीट द, यू वॉन्ट टू रिपीट इट, ठीक है, आप वो चीज करना दोबारा पसंद करते हो, वो आपको स्ट्रेंथन करता है, तो उसके अंदर जैसे कि अगर आपको खाने में कोई चीज अच्छी लगी तो आप उसको दोबारा। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस, अगर बैल मेरी बस्ती है बिल्कुल जरा सी टिंग, तो क्या मेरे पे उसका असर होगा, नहीं होगा। मुझे जो कंडीशन करना है अनकंडीशन के साथ कंडीशन डाल करना है, उसको मुझे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और अगर देखो जो पेन आते हैं जिसमें शॉक लगता है, उसमें जरा सा शॉक आता है उसे तुम डरते नहीं हो, वो मजे मजे के लिए तुम एक दूसरे को देते हो और मजे करते हो, प्रैंक खेलते हो उसके साथ, बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाय और उससे फियर रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा सब में, राइट। तो वो एक प्लेफुल मतलब मटीरियल है शॉक वाला, लेकिन अगर वो 440 वॉट वाला होगा और उधर टच कर दोगे तो वो आपकी जिंदगी भर के लिए आपके लिए वो कंडीशन बन जाएगी, राइट। तो इंटेंसिटी मैटर्स, इट शुड नॉट बी सो लेस दैट इट डज नॉट इफेक्ट अ ह्यूमन बींग, इफ इट इज इफेक्टिंग देन ओनली द कंडीशनिंग विल टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑपरेंट। ऑपरेंट आर ऑल दोज बिहेवियर्स व्हिच आर अंडर अवर कंट्रोल, वॉलेंटरी कंट्रोल, जो अपने आप से होते हैं, हमारी ब्रीदिंग हमारी इनवॉलेंटरी है तो वो ऑपरेंट नहीं है, लेकिन मेरा बोलना ऑपरेंट है, मेरा हाथ चलाना मेरा ऑपरेंट है, बिकॉज आई कैन कंट्रोल। ओके, नाउ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज लर्न। अब वो किस तरीके से लर्न किया जा रहा है, या मेंटेन किया जा रहा है, या चेंज किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिइंफोर्समेंट। अच्छा, अब ये रिइंफोर्समेंट क्या है, जिस चीज से हम बिहेवियर चेंज करते हैं, जिसके होने ना होने से बिहेवियर चेंज होता है, वो होता है हमारा रिइंफोर्समेंट। अगर मैंने थप्पड़ लगाया तो हो सकता है मॉनिटरी आप मोमेंटरी आपको बुरा लगे और आप वो चीज ना करो और थोड़े दिन के बाद आप पढ़ने लग जाओ। ठीक है, मुझे फूड बड़ा अच्छा लगता है, चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे किसी अच्छे बिहेवियर के लिए अगर मेरी मम्मी मुझे चॉकलेट देती है तो मैं वो बिहेवियर रिपीट करूंगी, क्योंकि माय मॉम लाइक्ड इट इनफ टू गिव मी चॉकलेट, तो ये मेरा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो गया। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो गया वेयर आई टेक अवे समथिंग दैट लाइक सी दैट यू आर दैट यू लाइक, आई कैन स्टॉप यूर गोइंग आउट इन द इवनिंग, तो आपका वो एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा कि अगर मैं ऐसा बिहेवियर करूंगा तो मैं मेरा बाहर जाना बंद हो जाएगा, तो आप वो वाला बिहेवियर कंट्रोल करोगे, क्योंकि उसके होने ना होने से आपका जाना ना जाना उसमें इफेक्ट करता है, राइट। तो ये हमारे रिइंफोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द रिस्पॉन्स, वेयर एज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आर अनप्लेजेंट एंड पेनफुल स्टिमुलाई
अवॉइडेंस एंड एस्केप रिस्पॉन्स आता है. देखो हमारा किसमें चेंज आ रहा है, हमारे रिस्पॉन्सेज में चेंज आ रहा है. वो हमारा अवॉइडेंस रिस्पॉन्स दिखाता है अगली बार हम उस स्टिमुलाई को अवॉइड करें. राइट, नेक्स्ट इज शेड्यूल. शेड्यूल क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूसली आप बार बार रिइंफोर्समेंट देते हो तो क्या होगा, जब रिस्पॉन्स बंद होगा आपका, ठीक है, आप उनकी कंडीशनिंग कम कर दोगे, आप गुड देना बंद कर दोगे, आप कुछ करना बंद कर दोगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा. बिकॉज यू एक्सपेक्टेड कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूस ना होने पे आप गिव अप जल्दी करते हो. जबकि हमारा पार्शल रिइंफोर्समेंट होता है, यू कंटिन्यू एवरी टाइम. आज गुड मिला है, कल गुड नहीं मिला, तो आप तीसरी बार तीसरे दिन भी मेहनत करोगे, नहीं पिछली बार गुड नहीं मिला, अगली बार मैं और अच्छा लिखूंगा जिससे मुझे गुड मिले. फिर तीसरी चौथे दिन भी आप करोगे, क्या पता आपको चौथे दिन, क्या पता पांचवें दिन आपको रिइंफोर्समेंट एज अ गुड मिले या एज अ स्टार मिले, फिर आप काम करते रह रहे हो. लेकिन अगर आपका गुड और स्टार मिलना बंद हो जाता है, आप हारते नहीं हो, आपको फिर भी एक्सपेक्टेशन रहेगी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और आप मेहनत करते रहते हो. बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टार्स एंड द गुड्स फॉर वर्किंग हार्ड. द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग दोज रिमार्क्स, गुड रिमार्क्स, गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू योर वर्क. ओके, सो यू कंटिन्यू योर गुड वर्क. नेक्स्ट इज डिले. इफ यू आर गिवन अ प्राइज आफ्टर अ ईयर और सो, देर विल बी नो इफेक्ट ऑन यू. ठीक है, तो डिलेड रिस्पॉन्सेज, डिलेड इन्फोर्समेंट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ इन्फोर्समेंट. नाउ नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट, देखो नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट में तीन चीजें होती है, क्वालिटी, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी. कितनी बार आ रहा है, दैट इज शेड्यूल. राइट, नेक्स्ट इज अमाउंट. अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा कोई रिइंफोर्समेंट देते हो, आपको जरा सा मैंने बोला वेरी गुड बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, इट वोंट इफेक्ट यू दैट मच. अगर आपको असेंबली में आपकी प्रेज की जाती है, इट विल इफेक्ट यू मोर. इफ यू आर गिवन अ मेडल विद अ सर्टिफिकेट एंड अ प्रेज, दैट इट विल इफेक्ट यू 100 टाइम्स मच मोर. तो जो अमाउंट ऑफ इन्फोर्समेंट है इट काउंट. राइट, करंट जरा सा कोई इफेक्ट नहीं, 440 वॉट इफेक्ट. राइट, क्वालिटी. नाउ इफ यू आर गेटिंग द क्वालिटी, इफ यू आर गेटिंग अ चॉकलेट एंड दैट टू वेरी बैड क्वालिटी ऑफ चॉकलेट, तो मेरे पर वो इन्फोर्समेंट का काम करेगा, जान अपनी चॉकलेट अपने पास रख. राइट, तो वो क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप किस क्वालिटी का उसको इन्फोर्समेंट दे रहे हो. राइट, एक जगह लिख कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, एक कार्ड लेकर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्क आएगा या नहीं आएगा. राइट, यही चीज होती है हमारी ऑपरेंट कंडीशन. And this was done on the rats. There was a Skinner box. It was done by Skinner. किसने किया था? Skinner ने. Skinner ने एक rat को, Skinner ने एक box के अंदर रखा था rat को, और उस box को बोला गया था Skinner box. Rat भूखा था and he was roaming in the that prison or that cell or that box to find the food because it was hungry. And he, and because it is a natural tendency of a rat to scratch everything, वो परेशान हो रहा था, वो scratching कर रहा था. Scratch करते करते एक जगह उसका हाथ लगा जिससे liver press हो गया और food उसके palate के ऊपर आ गया, उसने food खा लिया. लेकिन एक बार उसको नहीं समझ में आया, दो बार, दूसरी बार, तीसरी बार उसने same behavior किया. दो तीन बार के बाद उसको ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कुछ है जो scratch करने से food आता है. तो अगली तो कुछ बार के बाद देखा गया कि वो जाता वहाँ पे स्क्रैचिंग करता, फूड आता, वो फूड खाता, आराम से बैठ जाता. ठीक है, दिस काइंड ऑफ अ कंडीशनिंग शोज दैट अ बिहेवियर कैन बी लर्न थ्रू योर रिइंफोर्समेंट. ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रिंसिपल. गॉट इट?